नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट की। किसकी बात करने वाले हैं? डॉपलर इफेक्ट की, यानी डॉपलर प्रभाव की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। किसका? फिजिक्स का। किस सब्जेक्ट का? फिजिक्स का। जो है डॉपलर प्रभाव, ठीक है, यानी डॉपलर इफेक्ट जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ऐसा समझाऊंगा कि आप समझ जाएंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव समझने के लिए। तो आइए जानते हैं। तो यहां पर डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव जो है उसकी खोज किसने की थी, यानी ये डॉपलर इफेक्ट जो है, अब डॉपलर इफेक्ट बिना क्यों खोजे, ऐसे अपने थोड़ी मिल जाए, मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि डॉपलर जो है, यहां पर डॉपलर एक इंसान ही था। वो कौन सा इंसान था? भौतिक वेत्ता थे। कौन? क्रिश्चियन जोहान डॉपलर, ठीक है। जो डॉपलर है उनका पूरा नाम जो है वो क्रिश्चियन जोहान डॉपलर है, जो कि 1842 ईस्वी में जो है डॉपलर प्रभाव यानी डॉपलर इफेक्ट की खोज की थी। किसने? क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने, ठीक है। तो इन्होंने डॉपलर प्रभाव की खोज की, जो कि फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया, ठीक है। तो 1842 ईस्वी में ही इन्होंने खोज की थी डॉपलर इफेक्ट की। अब डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, थोड़ा देसी भाषा में समझे। देसी भाषा में देखिए, आपने देखा होगा कोई भी आवाज होती है, ठीक है, दूर से पों 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 कर रही है दूर से, ठीक है। तो जो आवाज होती है यानी ध्वनि होती है वो बहुत धीरे सुनाई देती है, ठीक है, यानी उसका प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन वही जो पों 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 करती आ रही है, एक जमाना आएगा, एक समय आएगा तो मेरे पास आएगा, ठीक है, मेरे पास आएगा। मान लीजिए मैं ट्रेन के बगल खड़ा हूं, यानी स्टेशन पर खड़ा हूं, ठीक है, मानने के क्या दिक्कत है, आप स्टेशन के बगल खड़े, यानी स्टेशन पटरी के जस्ट बगल खड़े हैं, ट्रेन दूर से पों 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 कर रही है, तो आपने तो सुना कि वो ट्रेन आ रही है, ठीक है, प्रभाव लेकिन आप पर कम पड़ा। कैसे कम पड़ा? अरे बड़ी दूर है अभी, ठीक है, अभी दूर है, उत्सुकता उतनी नहीं बढ़ी, अभी दूर है भाई, आओ नजदीक पहुंच जाए तब हम यहां पर बैठने के लिए तैयार हो जाएं। यही तो होगा, ट्रेन आई, ठीक है, दूर थी तो पों पों हमको सुनाई दिया, उतना प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही वो पास आती गई, एक तो उसकी ध्वनि इतनी तेज हो गई, ठीक है, इतनी तेज ध्वनि आ गई उसकी, ठीक है, कि हमको उठ खड़ा होना पड़ा। क्यों उठ खड़ा होना पड़ा? अरे जब पास में आ गई, हमको उस पर बैठना है, तो हम तैयार नहीं रहेंगे तो कैसे बैठेंगे? बैठेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो एक तो प्रभाव मेरे को ये पड़ा कि मेरे को अब उठकर खड़ा हो जाना चाहिए बैठने के लिए, नहीं तो ट्रेन पों पों करते निकल चली जाएगी, दूसरा व्यक्ति बैठ सकता है, ठीक है, मेरे को मौका नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। तो ये तो प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ा, ठीक है। तो प्रभाव इसमें जो डॉपलर प्रभाव है वो तो अलग बात थी, जो बैठने वाला सिस्टम था, ठीक है, वो मेरी इच्छा थी, मैंने आपको बताने के लिए ऐसा किया कि दूर थी तो हम उतने उत्साहित नहीं थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन पास में आई और उसकी आवाज़ मेरे कानों में गई, हम उठ के खड़े हो गए, पटरी के किनारे जा पहुंचे बैठने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डॉपलर प्रभाव क्या है? तो यहाँ पर इनका प्रभाव यही है कि दूर वस्तु कोई है, ठीक है, तो जो वस्तु है यानी जो स्रोत है, स्रोत हमारी रेलगाड़ी है, हम पटरी के बगल खड़े हैं, दूर रेलगाड़ी पों पों कर रही है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे आती जाएगी यानी पास आती जाएगी, उसका प्रभाव अधिक होता जाएगा, यानी उसकी ध्वनि का प्रभाव जो है और तेज कानों में घुसता चला जाएगा। ये होता है डॉपलर का प्रभाव, ठीक है। जो श्रोता है उसके कान में जोर से आवाज जाती है, और जो स्रोत है वो श्रोता के पास धीरे धीरे पहुंचता चला जा रहा है, ठीक है। तो यही डॉपलर प्रभाव होता है, वो कुछ नहीं होता है, समझ गए कि नहीं? तो परिभाषा आइए जानते हैं इनकी भाषा में, यानी डॉपलर की भाषा में, ठीक है। तो जब किसी ध्वनि, ठीक है, जब किसी ध्वनि स्रोत, क्योंकि जो डॉपलर का प्रभाव होता है ना अधिकतर ध्वनि पर काम करता है, रीजन ध्वनि ही तो अधिकतर हम लोग सुन पाते हैं, और क्या प्रकाश को सुन पाएंगे, ठीक है, प्रकाश को सुन पाएंगे, या फिर जो है जो हमारा जल होता है उसको सुन पाएंगे, ठीक है, ये सब बहुत कम सुनते हैं। ध्वनि होती है तो घरों लड़कियां चाँपू करता है, बहरों निकलते हैं गाड़ी पू पू करती है, मतलब हर जगह केवल शोर ही शोर है, ठीक है,
हर जगह शोर ही शोर है, तो इसलिए ध्वनि पर जो है डॉपलर प्रभाव ज्यादा है, यानी उस पर ज्यादा हमको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता, अब स्रोत का मतलब जिससे आवाज निकल रही है, श्रोता का मतलब जिसके कान में जा रही है, ठीक है, तो जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति का मतलब स्रोत आ रहा है और श्रोता जो है श्रोता के कान में घुस रहा है, ठीक है, तो जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के आपेक्षिक गति बीच होती है, ठीक है, स्रोत और श्रोता के बीच में क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को जो सुनाई पड़ती है, ठीक है, जो श्रोता को ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से क्या होती है, कम या ज्यादा हो सकती है, तब वहां पर उस पर क्या होता है, डॉपलर प्रभाव काम करता है। कब? जब स्रोत और श्रोता के बीच जो है आपेक्षिक गति जो है क्या होती है, होती है, ठीक है, जब स्रोत और श्रोता के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उस आवृत्ति मूल आवृत्ति से, ठीक है, उस आवृत्ति में मूल आवृत्ति से कम या ज्यादा जो है क्या होता है, होता है क्या, आवृत्ति, ठीक है, तो वहां पर डॉपलर प्रभाव काम करता है या डॉपलर नियम लगता है। ठीक है, देखिए ट्रेन आ रही थी, दूर थी तो हमको उतना प्रभावित नहीं की, ठीक है, पास में आई बहुत तेज प्रभावित की, उसके बाद फिर जाने लगी, जाएगी ना, आई है तो जाने लगी, फिर धीरे धीरे उसका प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया, तो वही तो बता रहा है ना डॉपलर का प्रभाव, कि श्रोता और श्रोता के बीच में जब आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उस आवृत्ति में जो उसकी मूल आवृत्ति होती है वो कम या ज्यादा होती है, वही डॉपलर प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए ये डॉपलर प्रभाव था, तो जो डॉपलर प्रभाव है ये क्या है कि तथा श्रोता के द्वारा सुनी गई गति को, ठीक है, श्रोता के द्वारा सुनी हुई आवृत्ति को क्या कहते हैं, आभासी आवृत्ति कहते हैं। आभासी आवृत्ति क्यों कहते हैं, अरे हमने आभास किया ना, वो ट्रेन थी तो हम धीरे धीरे सुने थे ट्रेन आ रही है, एकदम पास आ गई तभी आभास हो गया ट्रेन एकदम पास आ गई है, ठीक है, आभास हुआ ना, आपको ज्ञात हुआ ना, तो यानी श्रोता को जब पता चल गया तो वही तो आभासी आवृत्ति कहलाएगी ना, ध्वनि के द्वारा ही तो उसको पता चला ट्रेन वो दूर है, और जब पास आ गई तेज से सुनाई दिया पता लगा ट्रेन आ गई है, ठीक है, यही तो पता चला। आगे देखिए तो डॉपलर प्रभाव जो होता है वो प्रकाश में, जल में, ठीक है, और जो है ध्वनि तरंगों में, इन सब में काम करता है, ठीक है, तो इन सब में काम करता है, लेकिन ध्वनि तरंगों के लिए क्या होता है, डॉपलर प्रभाव को जो है आसानी से महसूस कर सकते हैं। जो ध्वनि तरंगे हैं ना, बताया ना अभी इसके पहले कि जो ध्वनि तरंगे हैं इसमें हम जो है डॉपलर प्रभाव को महसूस कर पाते हैं, और सब में नहीं, ना तो जल में ना तो प्रकाश में, ध्वनि में हम इनको महसूस कर लेते हैं डॉपलर प्रभाव को। आगे देखिए तीन स्थितियां संभव होती हैं, किसमें, डॉपलर के नियम में तीन स्थितियां बनती हैं, कौन सी स्थितियां बनती हैं, जब स्रोत गतिमान तथा श्रोता स्थिर हो, ठीक है, यानी स्रोत यानी जो वस्तु है जो आवाज निकाल रही है वो गतिमान हो और श्रोता स्थिर हो तो क्या होगा, दूर रहेगी तब सुनाई देगा कम प्रभाव रहेगा, पास में आ जाएगी ज्यादा प्रभाव, फिर दूर चली जाएगी तो फिर कम प्रभाव, ठीक है। दूसरा जो बिंदु है इसमें तीन जो दूसरी स्थिति बनती है, श्रोता या तो गतिमान रहेगा और स्रोत जो है वो स्थिर रहेगा, ठीक है। जो तीसरी गति यानी स्थिति बनती है इसमें क्या होगा, दोनों गतिमान रहेंगे, ठीक है, दोनों यानी श्रोता और स्रोत दोनों गतिमान रहेंगे, ये तीन स्थितियां बनती हैं डॉपलर के प्रभाव की, ठीक है। आगे देखिए यहां पर तो डॉपलर के प्रभाव की ये तीन स्थितियां बनती हैं, तो देखिए आपने कार देखा है, ठीक है, कार देखा तो कार खड़ी थी तो पहले हॉर्न बजाएगी तभी स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने का मतलब अरे स्टार्ट करना है, मान लो कोई अचानक आ जाए, ठीक है,
तो हार्मज या कोई आप उस पर बैठने वाला है और बाहर है, ठीक है। तो उसके लिए हम गाड़ी पर जो है यानी कार को स्टार्ट करेंगे, हारन बजाएंगे, ठीक है। हारन तो पों 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 बजा दिया, ठीक है। फिर स्टार्ट कर दिया उसे, वो भी बैठ गया और स्टार्ट कर दिया, लेकर निकल दिया। तो जब लेकर निकल दिया तो जो ध्वनि थी आगे जा रही है कि नहीं जा रही है, बिल्कुल जा रही है, ठीक है। पहले क्या था, ध्वनि जो है बराबर में फैल रही थी, बराबर में फैल रही थी। लेकिन क्या है कि ध्वनि अगर हम गाड़ी आगे ले जा रहे हैं तो जो हरनवा लगा है वो तो पीछे अगवे लगा है, तो वो भी पों पों क्या आगे कर रहा है। तो जो हमारी गाड़ी भी आगे जा रही है, ध्वनि की तरंग भी आगे जा रही है, तो क्या है कि पहले तो ऐसे गोला था, ठीक है, लेकिन यहां तो गाड़ी जो थी वो स्टार्ट हुई ना। अब स्टार्ट होने के बाद जब आगे बढ़ेगी तो ये जो ध्वनि है ये थोड़ा पास पास में आती जाएगी कि नहीं आती जाएगी, बिल्कुल आती जाएगी, ठीक है। इधर जो है दूर होती जाएगी और इधर आगे जो है यानी पास पास होती जाएगी। कैसे? अरे कैसे यार, अरे कैसे नहीं जाएगी, जब यहां पर पों पों की तो बराबर में फैली ध्वनि, ठीक है। लेकिन जब कार आगे बढ़ी तो जो ध्वनि थी इतनी तो तेज स्पीड ध्वनि की है नहीं कि भाग जाएगी जल्दी से, ठीक है, भाग जाएगी क्या, नहीं। तो क्या है, कार भी आगे जा रही है, ध्वनि भी आगे जा रही है, तो ध्वनि आगे चल रही है, कार भी चल रही है, तो जो स्पेस बनता है ध्वनि का, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। और जो पहले की ध्वनि होती है वो आगे निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, वो पहले की ध्वनि ना वह निकल गई, लेकिन जो फिर हमने पों से किया तो फिर निकली ना, तो उसके पास में जो ध्वनि रहेगी वो तो सक्रिय बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, तो ये स्थिति बन जाती है एक कार में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए श्रोता और स्रोत में संबंध क्या होता है, श्रोता और स्रोत में संबंध क्या होता है, सूत्र के माध्यम से जाने, एफ एल बराबर, ठीक है, वी प्लस माइनस वी एल, ठीक है, अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है एफ एस, ये हमारा सूत्र है। तो ये जो सूत्र है तो वी बराबर जो होता है वो तरंगों की चाल होता है, ठीक है, यानी जो तरंग होती है जिस भी चीज की तरंग हो, प्रकाश जल या फिर ध्वनि की, उसकी चाल होती है। VL जो होता है वो श्रोता की चाल होती है, ठीक है, जो ऊपर होगा V के साथ, और उसके बाद VS जो होता है स्रोत की चाल होती है, और जो FL होता है वह आवृत्ति जो श्रोता महसूस करता है, यानी जो ध्वनि है कम महसूस कर रहा है ज़्यादा महसूस कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है FL होता है। और उसके बाद जो स्रोत होता है वो उसकी जो वास्तविक आवृत्ति होती है वो FS से प्रदर्शित की जाती है। तो ये इसका सूत्र है, श्रोता और स्रोत में जो संबंध दर्शाया जा सकता है, ठीक है। अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण देखिए, यानी उपयोग जो है डॉपलर प्रभाव का उपयोग जो है कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पर हवाई अड्डों पर वायुयानों को दिशा निर्देशित करने में, ठीक है, हवाई अड्डों पर वायुयानों को दिशा निर्देशित करने में, यानी हवाई अड्डे पर जो वायुयान उड़ रहे हैं उनको कौन सी दिशा देनी है, ये सब जानते हो, डॉपलर प्रभाव के नियम पर काम किया जाता है। अब कह दो कि जो है उसको बताया ना जाए डॉपलर प्रभाव के नियम के अंतर्गत, और पता नहीं किस साइड में उड़ा ले जाए वायुयान को, और पता नहीं रास्ते में कौन सी बाधा उत्पन्न हो जाए, हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। तो डॉपलर प्रभाव के नियम से जो है हवाई अड्डे पर जो है वायुयानों को उड़ाया जाता है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। जो डॉपलर प्रभाव की तरंगे हैं यानी इसके नियम के अंतर्गत आगे तरंगे जाती रहेंगी, पीछे से एरोप्लेन वायुयान जाता रहेगा। आगे देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, तो वायु में उड़ते विमान के वेग का अनुमान लगाने में, ठीक है। तो वायु में जो है उड़ता विमान जो है उसकी वेग कितना है, गति कितनी है, उसका भी पता लगाने के लिए डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तीसरा उदाहरण जो है वो है हमारा, यानी उपयोग जो है वो है जल के भीतर चलती पनडुब्बी का वेग ज्ञात करने में। जल के भीतर भी अगर कोई पनडुब्बी चल रही है तो उसका भी पता कैसे चलना लगेगा, यानी कितनी वेग से चल रही है, तो वहाँ भी डॉपलर के प्रभाव का नियम काम करता है। और जो चौथा उदाहरण है, तारों तथा गैलेक्सियों यानी आकाशगंगाओं की गति का अनुमान लगाने में, ठीक है। तो जो तारे हैं या फिर आकाशगंगाएं हैं यानी गैलेक्सियां हैं, उन सब की जो गतियां हैं उनका भी पता जो है डॉपलर प्रभाव के नियम के अंतर्गत ही पता लगाया जाता है। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो है स्टेशन से
विमान की ओर भेजी गई, ठीक है, स्टेशन से विमान की ओर भेजी गई तथा विमान से स्टेशन पर प्राप्त की गई तरंगों की जो आवृत्तियों के अंतर से विमान के वेग, ठीक है, इन सब में क्या होता है, डॉपलर प्रभाव काम करता है, या फिर जो है शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है, रक्त के प्रवाह तथा हृदय की धड़कन का जो है अध्ययन करने में। अब रक्त का प्रवाह हो रहा है, हृदय की धड़कन धड़क रही है, उन सब का पता लगाने में, ज्ञात करने में, जानने में डॉपलर के नियम का यानी डॉपलर इफेक्ट का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी के द्वारा हम जो है पता लगाते हैं जो तरंगे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने बताया आपको डॉपलर प्रभाव, आशा करते हैं आप एकदम समझ गए होंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे।